सो वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर है। बहुत ही आज लाजवाब दिन है सिटी यूनिवर्सिटी के इतिहास में। आज हमारे साथ डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल जी, प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो हैं, वो आज सिटी यूनिवर्सिटी में आए हैं। और आज का जो मेन एक्सपर्ट सेशन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, तो बहुत ही कामयाब दिन रहा और स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद किए सर, जैसे आपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की बात की। तो ये फार्मेसी की जो हम बात करते हैं पूरे प्रोग्राम की, फार्मास्यूटिकल साइंसेज की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा? पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे सिटी यूनिवर्सिटी में बुलाया और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा की हमने, और सिटी यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज का जो डिस्कशन है उसमें जो NEP का अभी तो सरकार ने क्लियर नहीं किया है कि फार्मेसी हमारा है कि नहीं, पर एज़ पर NEP ही हम सिलेबस बनाएंगे और जिससे इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि इंडस्ट्री और क्लिनिकल और कम्युनिटी फार्मासिस्ट को जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जैसे फॉरेन में फार्मासिस्ट को मिलता है वैसे इंडिया के फार्मासिस्ट को इम्पोर्टेंस मिले, वैसा इम्पैक्ट आएगा। तो सर ऐसे सभी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हर जगह जोर दिया जाता है, और मोदी साहब का भी ऐसा कैंपेन चला स्किल इंडिया के ऊपर, मेक इन इंडिया, ऐसे प्रोग्राम चलाए गए ताकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए स्टूडेंट को। जो अभी इंडस्ट्री और एकेडमियों में गैप है, थ्योरी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री में वो बच्चा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे तो बहुत बड़ा आपके लिए भी, आपने अभी एज अ प्रेजिडेंट ज्वाइन किया है और आपने बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी देखी हैं, इंडस्ट्री से आपका बहुत पुराना नाता है, तो आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी को क्या एक चैलेंज तो है ही है बहुत बड़ा, ये कैसी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो सकता है अपस्किल करना अगर चाहे तो? वो बिल्कुल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का जो मोटो है कि स्किल इंडिया और खेल इंडिया दो है, कि स्किल इंडिया में हमने ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंडर में LSSDC जो बॉडी है उनके साथ हमने PCI ने MOU भी कर दिया है, और Semester 8 जो BFARM में आते हैं उनके साथ वो पूरा ही हमने जो सब्जेक्ट दिया है, जैसे मार्केटिंग में जाना है, अच्छी केमिस्ट शॉप कैसे चलानी है, इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाने है, बहुत सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमने उनको इंक्लूजन में करवाया। अभी हमने नया वो करवाया कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में लिखा है कि पेशेंट काउंसलिंग करके प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग चार्ज कैसे लिया जाए, वो भी LSSDC के साथ हमने बोला कि इसका कोर्स करिकुलम हम डिजाइन करते हैं और उसकी आप ट्रेनिंग सारे बच्चों को दो और पहले टीचर्स को दो। तो अभी उसके लिए भी हमने काम शुरू कर दिया, जिससे हम पेशेंट काउंसलिंग की फ़ीस चार्ज कर सके एज अ फार्मेसी प्रोफेशनल। और जो इंडस्ट्री और एकेडमिक की गैप, अभी जो आपने बोला कि हमारे बच्चे इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल सेक्टर डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है और एवरीडे न्यू डिजीज, न्यू मॉलिक्यूल, न्यू पैटेंट आ रही है, लेकिन हमारा सिलेबस तो हर रोज़ चेंज नहीं होता, हम 4-5 साल बाद सिलेबस चेंज करते हैं। अब जो सिलेबस बनाएंगे हम, जो इलेक्टिव और सिलेक्टिव सब्जेक्ट के तहत ही हम बनाने वाले, जिसे जो भी रिसेंट इनोवेशन आए वो बच्चा उनके प्रैक्टिकल लाइफ में और थियोरेटिकल लाइफ में भी पढ़े इन ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, वैसा सिलेबस हम फ्रेम करेंगे जिसे जो लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेशन फार्मा में और हेल्थ इंडस्ट्री में आएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको अप टू डेट बच्चा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर आपको, और आपने सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, सिटी यूनिवर्सिटी को आपने विजिट किया, एक यंग यूनिवर्सिटी है, 4 साल पुरानी है, इट हैज़ बीन रैंक टॉप 13 इंडिया इन अटल रैंकिंग इनोवेशंस, तो यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए और ख़ासकर मैनेजमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑलरेडी मैंने आपको मैसेज दे ही दिया कि अब स्किल इंडिया के तहत आपने पहले ही बोला कि अगर आप कॉलेजेस के साथ, जैसे आपको पता है कि नर्सिंग और डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल अटैच होते हैं, लेकिन हमारे फार्मेसी कॉलेज के साथ हम MOU करते हैं तो टाइप करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी यूनिवर्सिटी के कैंपस है उसमें हॉस्पिटल भी बने और स्मॉल स्केल लेवल की इंडस्ट्री भी बने, जिससे बच्चों को सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, मार्केट का नॉलेज मिले। क्योंकि आपने बोला कि मुझे हम लेबोरेटरी बना रहे हैं, NABL बना रहे हैं लैब,
मैं चाहता हूँ अगर आप इंडस्ट्री बनाओगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी के लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा, क्योंकि अगर आपने इनिशिएशन लिया तो बाकी की यूनिवर्सिटी भी इनिशिएशन लगी, उससे फार्मासिस्ट का एक पूरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक विज़न चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे हमको आजकल। बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद आपका सिटी यूनिवर्सिटी में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।